हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका संगीत मित्र शशांक और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्यूटोरियल में। मेरे महबूब कयामत होगी, इस सैड सॉन्ग को हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। 1964 में बनी फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, इस फिल्म से ये गीत को लिया गया है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी जी ने। इन्हें अपने सुरों से सजाया है, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत पैरलाल जी ने और इसे गाया है द मोस्ट वर्सेटाइल टैलेंटेड आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र और एक्टर किशोर कुमार जी ने। ये एक सैड सॉन्ग है और इसके जो शब्द है वो दिल को बहुत भाते हैं, टच करते हैं। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नज़रें तो गिला करती है, मेरी नज़रें तो गिला करती है, मेरी नज़रें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों से मोहब्बत होगी। मेरी नज़रें तो गिला करती है, मेरी नज़रें तो गिला करती है, मेरी नज़रें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी। आनंद बख्शी जी ने बहुत खूब लिखा है और जो उस समय उस अभिनेता के मन में जो भाव है उन्हीं भावों को शब्दों में प्रकट किया है। तो आइए इस गीत को हम लोग सीखना प्रारंभ करते हैं। इस गीत को जो संगीत दिग्दर्शक ने सजाया है वो राग दरबारी कानड़ा में सजाया है। राग दरबारी कानड़ा ये एक बहुत ही गंभीर स्वरूप का राग है और आसावरी ठाट से ये उत्पन्न हुआ राग है। इसमें गंधार, धैवत और निषाद तीनों स्वर कोमल लगते हैं, ऋषभ शुद्ध लगता है और बाकी सभी स्वर शुद्ध है। इसका जो गाने का बजाने का जो समय है वो रात का दूसरा प्रहर है और बहुत ही गंभीर स्वरूप का राग होने के कारण मुझे लगता है कि संगीतकार ने इस राग को चुना है इस गीत को कंपोज करने के लिए। और आज हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए मैं कुछ और लेसन बनाऊंगा जो कि स्पेशली रागों को हम लोग जिसमें विस्तृत तरीके से हम लोग जान पाएंगे। आज हम सिर्फ इस गीत के बारे में समझेंगे और राग दरबारी कानड़ा में इस गीत को कंपोज किया गया है। दरबारी कानड़ा में धैवत और गंधार जो है वो कोमल तो लगता ही है लेकिन अति कोमल लगता है और उसमें आंदोलन भी लिया जाता है। शास्त्रीय गायक वादक जो इस राग को जब पेश करते हैं तो और वो गंभीर होता है, इसमें करुणा भी आती है, दर्द आता है, इमोशंस आते हैं। तो उन्हीं भावों को प्रकट करने के लिए मुझे लगता है संगीतकार ने इस राग का उपयोग किया होगा। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नज़रें तो गिला करती ही है, मेरी नज़रें तो गिला करती है, पर तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। देखिए क्या लिखा है कि मेरे महबूब कयामत होगी। कयामत यानि प्रलय, जिसको हम बोल सकते हैं आफत, कोई बहुत बड़ी आफत आना, कयामत आना। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। रुस्वा यानि लांछित, जलील होना, अपमानित होना। मोहब्बत जैसी पाक चीज़ को जब अपमानित किया जाता है, जलील किया जाता है, लांछित किया जाता है तो वो बहुत जो फीलिंग है वो बहुत बुरी फीलिंग है, अच्छी फीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर आनंद बख्शी जी लिखते हैं, मेरे महबूब कयामत होगी,
और आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नज़रें तो गिला करती है, गिला करना यानी शिकायत करना। तो देखिए यहाँ पर जो हीरो है वो अपने मुंह से तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसकी नज़रें जो है वो शिकायत कर रही है कि तुमने मेरे साथ जो बेवफाई की है। तो उस बेवफाई की शिकायत उस फिल्म का जो हीरो है वो हीरो कर रहा है, तो वो अपने मुंह से नहीं, अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी नज़रों से कि मेरी नज़रें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। यानी मेरी नज़रें तो गिला कर ही रही है, लेकिन तुम्हारा जो दिल है वो तुम्हारा दिल भी तुमको कोस रहा है, तुम्हारे दिल को भी तुमसे खुद से शिकायत होगी कि तुमने जो मेरे साथ किया है, जो व्यवहार किया है, जो धोखा दिया है, जो बेवफाई की है, उस बेवफाई के बारे में तुम्हारा दिल भी तुम्हें कोस रहा होगा। और इसका मुखड़ा बहुत ज़बरदस्त लिखा है, आगे जैसे जैसे अंतरे बढ़ते जाएंगे हम लोग समझते जाएंगे। इसके शुरुआत में वायलिन का पीस आता है, वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और फिर आगे गाने की तरफ बढ़ते हैं। ये गाना जो है वो जी शार्प स्केल में है, तो सेम जी शार्प में ही हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पास जी शार्प की फ्लूट है, इसको हम लोग वोकल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ओरिजिनल सेम स्केल यूज़ कर रहा हूँ। तो कोई आप अगर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं फ्लूट के अलावा भी, तो उसके ऊपर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर फ्लूट के साथ तो हम लोग लेसन कर ही रहे हैं, वोकल के साथ साथ भी आप इसको एज ए लेसन, आप इसे वोकल के लिए भी आप इसे ले सकते हो। सबसे शुरुआत में जो संगीत है ये पहला पीस है, इसके बाद में इमीडिएटली दूसरा पीस शुरू होता है। ये पहला पार्ट ख़त्म होने के बाद दूसरा पार्ट शुरू होता है, उसको हम लोग टुकड़े टुकड़े में सीखेंगे। देखिए टुकड़े टुकड़े में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। नी सा रे सा प नी नी ध प म, यहाँ पे शुद्ध निषाद लगता है। सन नी नी ध प म, ये पीस पूरा वायलिन में है, तो वायलिन में रेंज काफ़ी बड़ी होती है, फ्लूट में हम लोग इतनी बड़ी रेंज में, इतने बड़े सप्तक में हम लोग नहीं बजा सकते, ऑक्टेव नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए फ्लूट भी चेंज करनी पड़ती है। यही फ्लूट के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। Thank you.
रे सा नी ध प सा, ये गिटार का स्ट्रोक है और इसके बाद में फिर मुखड़ा शुरू होता है। यूजुअली हम लोग जब ट्रैक के साथ बजाते हैं तो ये म्यूज़िक उसमें पूरा रहता है, हम लोगों को बजाने की ज़रूरत नहीं है अगर हम कराओके ट्रैक के साथ इसको अगर प्ले कर रहे गा रहे। तो फिर भी एक इस गीत को कैसे शुरुआत किया गया है ये समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा नोटेशन और बजा के दिखा रहा हूँ बस।